हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। सो, जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि आज हम बात करेंगे पैकिंग को लेके। देखिए, पैकिंग किसी भी चीज़ की हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई सारे रीज़न हैं कि पैकिंग का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो क्या क्या रीज़न, कॉमन सेंस की बात करूँ तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पैकिंग इसलिए ज़रूरी है जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो, सही से जिसके पास भी जाना है पहुंच जाए, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ तो ये समझ में आती है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं मेडिसिन को लेके। फार्मा इंडस्ट्री में पैकिंग का क्या रोल है, तो हम फार्मा के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। सो, हमने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री में पैकिंग का क्या रोल है। कुछ पैकिंग ऐसी है जिनको आप जानते भी होंगे, हो सकता है कि आप उनका इम्पोर्टेंस नहीं जानते होंगे कि क्यों इसको इसमें लाया गया, हम उन पर डिटेल में बातें करेंगे। चलिए, तो दवाइयों की पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली दवाई की सेफ्टी के लिए प्रॉपर दवाई की इफेक्टिवनेस रहे और प्रॉपर मेडिसिन की सेल्फ लाइफ के लिए। अब सेल्फ लाइफ क्या होती है, सेल्फ लाइफ एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक ये बॉडी आपकी, मतलब इतने टाइम तक ये दवाई आपकी बॉडी में काम करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पैकिंग में ही मैनेज होती हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग की जाती है मेडिसिन की। तो हर एक पैकिंग का एक यूनिक पर्पस है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो इसी पर हम वीडियो में आगे बातें करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग। अगर हम बेसिक समझें तो पैकिंग तीन तरीके से होती है। पहली होती है प्राइमरी पैकिंग, मतलब इनिशियल स्टेज वाली पैकिंग जो होती है। सेकंड होती है सेकेंडरी पैकिंग, थर्ड होती है फाइनल पैकिंग। या पहले हमने बताया आपको प्राइमरी पैकिंग, तो प्राइमरी के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्राइमरी पैकिंग में एक्चुअली होता क्या है, देखिए, मेडिसिन हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। तो पैकिंग के अलावा फिजिकल डैमेज से होने से बचाती है। फिजिकल डैमेज होने से ही नहीं बचाती, बल्कि केमिकल कंपोजिशन, मतलब मेडिसिन का एक केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, वो अनचेंज ना हो, मतलब जिससे उसको कस्टमाइज किया गया है। कस्टमाइज मतलब जिस तरीके से उसको बनाया गया है वो उसी तरीके से पेशेंट तक पहुंच जाए। तो ये जो बीच का जो प्रोसीजर है ये पैकिंग में कवर किया जाता है, क्योंकि अगर हम मान लें कोई मेडिसिन प्लांट में बनी तो वो मेडिसिन हमारे पास आते आते हो सकता है कि वो हमारे लिए डेंजर हो जाए, हो सकता है कि वो हमारे लिए फायदेमंद ही ना हो, इसीलिए पैकिंग का रोल है यहाँ पे।